अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन रोमास किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत डिलीशियस, बहुत क्रीमी, यमी और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑमलेट की रेसिपी, जो कि है स्पेनिश ऑमलेट। इस ऑमलेट को आप ना सिर्फ ब्रेकफास्ट में ब्रेड और पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं, बल्कि आप इसके बहुत डिलीशियस सैंडविचेस भी बना सकते हैं। स्पेनिश ऑमलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, और दिन के आगाज के लिए तो इससे बेहतर कोई डिश हो ही नहीं सकती। यह आपके स्टमक को काफी देर तक फिल रखता है और एनर्जी को भी बूस्ट अप करता है। ना सिर्फ बड़ों का बल्कि ये बच्चों का भी बहुत ही फेवरेट ऑमलेट है, तो आप बच्चों को भी इसे लंच में बनाकर दे सकते हैं। आइए बिना वक्त जाए किए स्पेनिश ऑमलेट को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेनिश ऑमलेट को बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें शामिल है एग्स 5, पोटैटो 1, कैरेट 1 लार्ज साइज, कैप्सिकम 1, कैबिज स्मॉल साइज 1/2, ग्रीन चिलीज 2-3 फाइनली चॉप्ड, फ्रेश कोरिएंडर फाइनली चॉप्ड 3 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टी स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टी स्पून, मेयोनीज 4 टेबल स्पून, मोजरेला चीज़ 2 स्लाइसिस, चेडर चीज़ ग्रेटेड 1/2 कप, घी 5 टेबल स्पून। एक बोल में मैं डाल रही हूँ 5 अदद अंडे। इनको मैं अलहदा बॉल में चेक करने के बाद शिफ्ट कर रही हूँ बोल में, ताकि अगर कोई भी अंडा ख़राब है तो उसे सेपरेट किया जा सके और बाकी के तमाम अंडों को वेस्ट होने से बचाया जा सके। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, और इसको मैं बीटर की मदद से बीट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेज पर फेंटने का मकसद जस्ट एग वाइट और योक्स को मिक्सअप करना है, होमोजेनाइज करना है, ना कि इसको फ्लफी करना। बस इतना सा फेंटने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तमाम स्पाइसेस, जिनमें शामिल हैं ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स और मेयोनीज। 4 टेबल स्पून मेयोनीज इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अगर मेयोनीज अवेलेबल नहीं है तो आप फ्रेश डेरी क्रीम या फिर दूध की भलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और एक बार फिर मैं इसे फेंटूंगी अच्छे से, यहाँ तक के तमाम मेयोनीज जो है होमोजेनाइज हो जाए बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ। अंडों के मिक्सर को फेंटते हुए मुझे 1/2 मिनट हो चुका है, और देखिए तमाम इंग्रेडिएंट होमोजेनाइज हो चुके हैं। और इस स्टेज पर मैं अब बीटिंग के प्रोसेस को स्टॉप करूंगी। स्पेनिश ऑमलेट के लिए एग्स का मिक्सचर तैयार है। नेक्स्ट स्टेप है वेजिटेबल की प्रिपरेशन स्पेनिश ऑमलेट के लिए। इसके लिए मैं 2 टेबल स्पून घी के ऐड कर रही हूँ पैन में। स्टोव को कर दिया है ऑन और फ्लेम है मीडियम टू लो। घी गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तमाम वेजिटेबल, जिनमें शामिल है कैरेट और पोटैटोस। यहाँ पर मैं मेंशन करती चलूँ, तमाम सब्जियों के मैंने 1/2 कप लिए हैं। 1/2 कप कैरेट, 1/2 कप पोटैटो, 1/2 कप कैप्सिकम और 1/2 कप ही कैबेज। और इनको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करूँगी कुछ टाइम के लिए। इनको देख लीजिएगा, मैंने स्केलिन कट किया है, जिसकी वजह से इनकी अपेयरेंस और इनका टेक्स्चर बहुत ही बेहतरीन रहेगा ऑमलेट में। सब्जियों को फ्राई होते हुए नियर अबाउट 1.5 मिनट हो चुका है। इनको मुकम्मल तौर पर पकाने के लिए मैं इनको मज़ीद 1 मिनट के लिए ढाम कर पकाऊंगी। इस दौरान मैं इसमें बिल्कुल भी पानी का एडिशन नहीं करूंगी। सब्जियों को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है, अब मैं इसमें बाकी तमाम सब्जियों का भी एडिशन कर दूंगी, जिनमें शामिल है शिमला मिर्च और बंद गोभी। कटिंग के अमल में आपने थोड़ी महारत और मेहनत का मुजाहरा करना है, कि जितनी अच्छी कटिंग होगी उससे आपका कुकिंग टाइम भी सेव होगा, जल्दी सब्जियां गलेंगी और उनका कलर और टेक्सचर ख़राब नहीं होगा और ऑमलेट भी बेहतरीन तैयार होगा। यहाँ पर 1/2 मिनट मैं इनको इसी तरह से सॉटे करते हुए पकाऊंगी। सब्जियों को पकते हुए मज़ीद 1/2 मिनट हो चुका है, और 1/2 मिनट के लिए ही मैं इसे पकाऊंगी ढाम कर, ताकि कैबेज और कैप्सिकम भी जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। 1/2 मिनट हो चुका है और अब मैं इन्हें लास्ट टाइम मिक्स कर रही हूँ। माशाल्लाह सब्जियाँ बहुत ही बेहतरीन तैयार हुई हैं, और अब मैं फ्राइंग पैन को हल्का सा टिल्ट कर रही हूँ, ताकि तमाम एक्स्ट्रा घी सब्जियों में से बाहर आ जाए, निकल जाए। और देखिए घी रिमूव हो चुका है सब्जियों में से जितना होना था, और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। और इसको तब तक मैं काउंटर पे प्लेस करूँगी जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगी उसके बाद मैं इसे एग्स के मिक्सचर में ऐड करूँगी। सब्जियाँ रूम टेम्परेचर पर आ चुकी हैं, और एग मिक्सचर में मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज जो मैंने स्लाइस करके रखी थी, और इसके साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ फाइनली चॉप कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर, जो इसके लुक को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएगा। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तमाम फ्राइड सब्जियाँ जो कि रूम टेम्परेचर पर आ चुकी हैं,
और अब इन तमाम वेजिटेबल्स को मैं एग के मिक्सचर में मिक्स कर रही हूँ स्पैचुला की मदद से। यहाँ पर आपने बिल्कुल भी विस्क का इस्तेमाल नहीं करना, चम्मच या स्पैचुला का इस्तेमाल करना है। स्पेनिश ऑमलेट का मिक्सचर तैयार हो चुका है और अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप फॉलो करूँगी, जो कि है इसकी असेंबलिंग और कुकिंग। इसके लिए मैंने एक पैन जिसमें मैंने ऑलरेडी वेजिटेबल को फ्राई किया था, इसी में डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून घी। और स्टोव को कर दिया है मैंने ऑन, फ्लेम है मीडियम टू लो। घी हल्का सा गर्म हो चुका है, अब इस घी में मैं डाल रही हूँ हाफ मिक्सचर स्पेनिश ऑमलेट का और इसे इवनली स्प्रेड कर रही हूँ पैन में। मिक्सचर इवनली स्प्रेड हो चुका है पैन में और फ्लेम बहुत लो मैंने रखा हुआ है, ऑफ नहीं किया। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ चेडर चीज़ जिसको मैंने ग्रेट करके रखा था। नियर अबाउट हाफ कप चेडर चीज़ मैं इसमें स्प्रेड कर रही हूँ। चेडर चीज़ के ऊपर अब मैं 2 स्लाइसेस रख रही हूँ मोज़रेला के और इसके ऊपर अगेन मैं अब पोर कर रही हूँ स्पेनिश ऑमलेट का बाकी मिक्सचर। और इन वेजिटेबल और एग को भी मैं इवनली स्प्रेड कर रही हूँ चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस पर। तमाम मिक्सचर प्रॉपरली सेट हो चुका है मोज़रेला और चेडर चीज़ के स्लाइसेस पर और अब इसे ढाँप कर 2 से 3 मिनट तक पकाऊँगी बहुत ही लो फ्लेम पर। ऑमलेट को पकते हुए नियर अबाउट 2.5 मिनट हो चुके हैं, इसके एजेस देखिए स्लाइटली गोल्डन हो चुके हैं। इसके ऊपर मैं एक प्लेटर प्लेस करके पैन को फ्लिप ओवर कर रही हूँ। बहुत बेहतरीन पकी है एक साइड और अब मैं इस पैन में फ्यू ड्रॉप्स घी के ड्रॉप कर रही हूँ। और अब इस पैन में मैं दूसरी साइड को पकने के लिए डाल रही हूँ स्पेनिश ऑमलेट की। बहुत केयरफुली आपने ये स्टेप परफॉर्म करना है और अब मैं इसे ढाँप कर अगेन 2 मिनट तक पकाऊंगी दूसरी साइड से भी। ऑमलेट को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको एक टेस्टर की मदद से या वुडन स्क्यूअर की मदद से चेक कर रही हूँ। वुडन स्क्यूअर देखिए बिल्कुल नीट आया है, इसका मतलब है कि स्पेनिश ऑमलेट तैयार है सर्व करने के लिए। इसको मैं एक प्लेटर में डिश आउट कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन स्पेनिश ऑमलेट तैयार हुआ है। लीजिए व्यूअर्स, देखिए फाइनल प्रेजेंटेशन स्पेनिश ऑमलेट की, जो लुक में बहुत ही यूनिक और जायके में बहुत ही क्रीमी और डिफरेंट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पर गेस्ट को आप ब्रेकफास्ट में ज़रूर सर्व कीजिएगा। इसका एक पीस मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ ताकि आपको उसके टेक्सचर का और क्रीमीनेस का आइडिया हो भी जाए। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन लेयर्स तैयार हुई हैं ऑमलेट की, फुली कुक्ड एग के साथ वेजिटेबल टॉप एंड बॉटम लेयर और सेंट्रली फिल्ड चीज़। बहुत ही बेसिक और सिंपल इंग्रेडिएंट्स और थोड़े से ट्विस्ट से देखिए एक खूबसूरत और प्रेजेंटेबल डिश तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।